पीड़ा है, मैं आरोपी हूँ सर, इस तरह से मैं चोरी करता था, क्या ये पेशावर चोर था या किस तरीके का ये मामला था? भिवंडी एरिया में और भिवंडी जोन में वाहन चोरी की वारदातें बहुत हो रही है। हमारे झोंटू के डीसीपी प्रोपकारी साहब ने उनको ये वाहन चोरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें डिटेक्ट करने के लिए आदेशित किया था और उसके मुताबिक हमारी डिटेक्टिव और हमारी डीबी की टीम इसके बारे में माहिती निकाल के रिकॉर्ड पर भी गुनहगार वाहन चोरी और सब चेक कर रहे थे। कल शांतिनगर एरिया में इश्तियाक इकबाल अहमद अंसारी, उसकी उम्र 24 साल की है, ये एक गाड़ी के साथ में मोटरसाइकिल पे संशयास्पद स्थिति में हमारी टीम को मिल गया। उसके पास जो मोटरसाइकिल थी उसके बारे में उसको पूछताछ करने के बाद वो कुछ भी बता नहीं रहा था, उसके पास गाड़ी के कोई पेपर नहीं थे। उसके बाद हमारी टीम ने वो गाड़ी की माहिती निकाली तो वो गाड़ी कुलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में उसका खिलाफ़ में चोरी का केस, वो गाड़ी चोरी गई थी वहाँ से और वहाँ पे केस रजिस्टर था। तो फिर हमारी टीम ने वो सब जांच करने के बाद उसके पास और पूछताछ करने के बाद हमारी यहाँ की एक रिक्शा चोरी हुई थी उसके बारे में उसने कबूली दी और वो रिक्शा पुलिस को दिखाई तो हमने वो रिक्शा की चोरी में उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसका कल पुलिस कस्टडी रिमांड लिया। पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद उसके पास और पूछताछ करने के बाद उसके पास से टोटल 2 रिक्शा और 6 मोटरसाइकिल जब्त हुए हैं और ये और इसका और एक साथी है, दोनों मिला के गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और फिर उसको चोरी करके लेके जाते हैं। सर, इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है कि बाइक को चोरी करके क्या कहीं और कोई और शहरों में बेचा करते थे या किस तरह से उसको चोरी करके बाइक को क्या करते थे? अभी उसके बारे में उससे पूछताछ चालू है, वो उसका साथी का नाम बता रहा है तो उसका साथी को भी हम तलाश कर रहे हैं, जो उसका साथी अपने को वांटेड है वो मिलने के बाद पूरी स्टोरी उसे मालूम पड़ेगी। सर, ये आरोपी खुद चोरी करता था या किसी से खरीदता था? नहीं, चोरी करता है, ये खुद उसका एक साथी है, उसका शो हम तलाश कर रहे हैं, वो मिलने के बाद वो दोनों कैसे चोरी करते थे और क्या करते थे ये सब सामने आएगा। ये रिक्शा आपने जो अभी रिकवर किया है ये भिवंडी का है या बाहर का है? नहीं, ये भिवंडी का है। भिवंडी का। थैंक यू।